हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट फैक्ट्री पीडी। फ्रेंड्स, आज जो टेक्निक और जो क्राफ्ट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो आप सबके लिए बहुत यूज़फुल है। और एक नहीं, दो नहीं, तीन ट्रिक्स मैं आज की वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। तो आज हम देखेंगे क्या हम ग्लू गन से बाटिक प्रिंट कर सकते हैं और क्या स्टेंसिल मेकिंग का काम भी ग्लू गन से हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये सब जानने के लिए आपको मेरी वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहना होगा। और एक कुछ ऐसा भी हुआ मेरे साथ इस वीडियो में जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, सो बने रहिए मेरे साथ। ग्लू गन्स की ये हैक्स एंड ट्रिक्स स्पेशली हैं आप सभी के लिए, सो देखिए, सीखिए और बनाइए। सबसे पहले जो ये स्टेंसिल्स आप देख रहे हैं, आप इन्हें स्टेंसिल कहिए या क्राफ्ट कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन जो भी है बहुत ही ब्यूटीफुल है और यूनिक है। सो ये स्टेंसिल्स बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ग्लू गन का। और जो ग्लू गन है हमें किस तरह से यूज़ करनी है वो देखिए। हम कोई प्लास्टिक का सरफेस लेंगे और जो थोड़ा सा चिकना हो, और उस पर हम कोई भी शेप ड्रॉ कर लेंगे। पेंसिल से ड्रॉ कर लीजिएगा, मैंने ड्रॉ नहीं की क्योंकि मुझे इजीली हो जाता है इससे मेरा काम, और मुझे ड्रॉ नहीं करना पड़ता, मेरी शेप सही आती है, मेरी काफ़ी प्रैक्टिस है। सो आप लोग, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है ना तो आप लोग ड्रॉ ज़रूर कीजिएगा। सो ये देखिए, मैं जो लीफ की शेप बना रही हूँ, बहुत ही ईजी है ये शेप बनानी। और फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, जब भी आप ग्लू गन से बनाते हैं ना तो याद रखिएगा एक कॉर्नर का दूसरे कॉर्नर से टच होना ज़रूरी है, नहीं तो आपका जो डिज़ाइन है, आपका जो स्टेंसिल है वो बिखर सकता है। सो अभी मैं इसको जब इस पर से रिमूव करूँगी ना तो देखिएगा इसका जादू कितना ब्यूटीफुल है, और ना ही हमें इसके ज़्यादा सूखने की इंतज़ार करने की ज़रूरत है। ये इंस्टेंट स्टेंसिल्स हैं और इंस्टेंट ये आर्ट है। सो ये देखिए किस तरह से मैं इसको रिमूव कर रही हूँ, और ये इजीली प्लास्टिक से रिमूव हो जाता है। लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा किसी शार्प चीज़ का यूज़ कर लीजिएगा ताकि हमारा जो स्टेंसिल है ना वो हमें खींचना ना पड़े। खींचने से ये टूट सकता है, थोड़ा नाजुक होता है, लेकिन जब आप इसे बनाएंगे तो अपने आप ही इसकी सेफ्टी का ध्यान रखेंगे क्योंकि ये आपको बहुत ही प्यारा लगने वाला है। सो इस तरह से आप स्टेंसिल्स बनाकर रख लीजिएगा, बहुत यूज़फुल है स्प्रे पेंटिंग में भी, और ये आपके किसी भी आर्ट जिसमें आप स्टेंसिल का यूज़ करते हैं सो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, एक स्टेंसिल और मैं बना रही हूँ, ये बिल्कुल रफली है, आप किसी भी चीज़ पर, किसी भी मैट पर इसको पेस्ट कर दीजिए, बहुत ही अच्छा लगने वाला है, बहुत ही यूज़फुल है। और किसी भी चीज़ पर आप इसको पेस्ट करेंगे ना, जो वेस्ट हमारे कई बार कंटेनर्स होते हैं उस पर आप पेस्ट कर दीजिए और उसके बीच में कैंडल रखिएगा, बहुत ही सुंदर ऑसम फीलिंग आती है और बहुत ही प्यारा ये लगता है जब आप इसको डेकोरेशन के पर्पज़ से यूज़ करेंगे। और कलरिंग के पर्पज़ से तो आप इसको यूज़ कर ही सकते हैं। और फ्रेंड्स, याद रखिएगा, जब भी आप ग्लू गन से काम करते हैं ना तो थोड़ा सेफ्टी के साथ कीजिएगा, और जब भी स्टेंसिल बनाते हैं तो आउटलाइंस को थोड़ा सा मोटा रखिएगा, चाहे आपको उस पर से दोबारा से क्यों ना अपनी जो ग्लू गन है वो घुमानी पड़ जाए। ये बिल्कुल वही प्रोसीजर है जो हमने लीफ के स्टेंसिल में किया था, थोड़ा थोड़ा सा हम इसको यहाँ से उतार देंगे, और जब हमारा कहीं से ऐसा लगेगा ना कि हमारा जो स्टेंसिल है वो टूट रहा है, ग्लू गन की हेल्प से वहाँ पर डॉट बना दीजिए, वो फिर से वहीं पेस्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप सावधानी से काम कीजिएगा, बहुत ही प्यारे स्टेंसिल्स बनेंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा जब आप बनाएंगे। ना ही कोई ज़्यादा खर्चा है, ना ही कोई ज़्यादा मेहनत है, ये स्टेंसिल्स बनाइए और इस्तेमाल कीजिए टी शर्ट्स पे या किसी भी चीज़ पे। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं बिना कलर के भी। अब ये इनको कलर किस तरह से करेंगे हम, ये देखिए। और जो ये मेरे छोटे स्टेंसिल्स हैं ना, ये मैंने बाटिक प्रिंट किया था, उसमें से एज इट इज़ शेप्स मेरी निकल गई थी, सो मैं ये वो यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही यूनिक और बहुत ही क्रिएटिव ये आइडिया है। सो जब तक ये सूख रहा है हम बढ़ते हैं बाटिक प्रिंट की ओर, देखते हैं हम कर पाएंगे या नहीं। सो ये देखिए, कोई भी आप अपने मन के अकॉर्डिंगली शेप ड्रॉ कर लीजिएगा। मैंने थोड़ी सी बड़ी शेप इसलिए ड्रॉ की है ताकि आप लोगों को
जो समझने में ईजी रहे। और ये जो एक बॉर्डर का डिज़ाइन मैं क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ ना, ये भी बहुत प्यारा हुआ है। किसी भी कुर्ती पर, किसी दुपट्टे पर आप ये प्रिंट कीजिएगा। अब समर सीज़न है तो बाटिक प्रिंट का तो ऐसे ही ट्रेंड होगा। और अब बिल्कुल ईजीली जो हमने आउटलाइन की है ना, उस शेप को लेकर हम ग्लू गन की हेल्प से बाटिक प्रिंट करने की कोशिश करेंगे। सो बने रहिए इसका रिज़ल्ट देखने के लिए। बिल्कुल भी वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा। और हाँ, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ये यूज़फुल हैक्स एंड ट्रिक्स। उनको भी तो पता चले कि कितनी प्यारी हैं, कितनी ईजी हैं, कितनी सस्ती हैं। पॉकेट फ्रेंडली भी हैं, एफर्ट फ्रेंडली भी हैं, और जो इको फ्रेंडली भी हैं। सो आप इस तरह से बाटिक प्रिंट करके दुपट्टा, जो कॉटन के हमारे दुपट्टा होते हैं ना, उन पर कीजिएगा। बहुत ही प्यारा और यूनिक जो ये है आइडिया है। सो जब भी मैं इस तरह का कोई भी क्रिएशन सोचती हूँ, करती हूँ, तो मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलती। वैसे तो मैं आपको सच बताऊँ तो ये मैंने भी फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, लेकिन इसका रिज़ल्ट देखकर दिल खुश हो गया। मैं इससे कुछ ना कुछ बड़ा प्रोजेक्ट ज़रूर बनाऊँगी, क्योंकि बहुत ईजी है ये करने में। हम ए प्लस ग्लू से भी करते हैं बाटिक प्रिंट का काम, वो भी मैं वीडियो आपको ज़रूर दूंगी। लेकिन जो ग्लू गन से है ना, वो बहुत ईजी है। ए प्लस ग्लू भी जल्दी सी फैब्रिक से निकलता नहीं है, उसको भी बैक साइड से गीला करना पड़ता है। और कई बार तो हमारा जो फैब्रिक है टियर भी हो जाता है उससे, क्योंकि सॉफ्ट फैब्रिक अगर होता है तो जल्दी फटने का चांसेस रहता है। लेकिन ग्लू गन से तो मुझे करने में मज़ा ही आ गया दोस्तों। आप भी कीजिएगा, आपको भी ज़रूर ऐसे ही मज़ा आएगा, और आप भी ये जो क्रिएशन है इन्जॉय करेंगे जब करेंगे। सो ये देखिए, मैं डिज़ाइन का अपने मन से ले रही हूँ, ये बीच में जो मैंने फिल किया है। सो आप लोग देख लीजिएगा, जिस तरह से आपको कन्वीनियंट लगे, अच्छा लगे, आप उस तरह से कीजिएगा। बहुत सारे डिज़ाइंस हैं, बहुत सारे जो प्रिंट्स हैं ना, गूगल पर भी आपको मिल जाएंगे इस तरह से। टी शर्ट्स पेंट बहुत अच्छी होती हैं, कोई भी क्रिएट आप उस पर डिज़ाइन कर दीजिए और उसके बाद उसको स्प्रे पेंट कर दीजिए, या फिर आप जनरल अपने फैब्रिक कलर जो है ना, फैब्रिक पेंट, उनसे पेंट कर दीजिए। अब ये जो बीच में जो धागे से हो जाते हैं ना, इससे ग्लूगन से जो छोटे छोटे तार से बारीक बारीक हो जाते हैं, उनको कट कर दीजिएगा। अदरवाइज़ उनका भी जो इम्प्रेशन है वो आपके जो डिज़ाइन पर वो आ जाएगा आफ्टर कलरिंग। सो दैट आप उनको रिमूव कर दीजिएगा और उसके बाद आप कलरिंग शुरू कीजिएगा। अब बारी है कलरिंग की, ना तो इसको सूखने के लिए हमें इंतज़ार करने की ज़रूरत है। सो आप कलरिंग भी अपने अकॉर्डिंगली, मन के अकॉर्डिंगली कर दीजिएगा, और बहुत ही रफली जो इसमें हम कलर कर सकते हैं। हमें कोई इसमें ज़्यादा प्रोफेशनल होने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी इसमें ज़्यादा हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ईजी, बहुत क्राफ्टी वर्क लगा मुझे, और एक तरह से कहें तो सरप्राइजिंग जो काम है ना, वो है ये कि हमें ये नहीं पता होता कि हमारा रिज़ल्ट क्या आएगा, लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो वो उससे हमें हमेशा ही खुशी मिलती है। उस तरह का ये जो वर्क है ना, ये है जो बाटिक प्रिंट मैंने ट्राई किया है ग्लू गन की हेल्प से। आप लोग ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस समर सीज़न, एक बाटिक प्रिंट की ड्रेस अपने लिए ज़रूर बनाइएगा। सो कलर्स आप अपनी चॉइस से लीजिएगा, कोई भी समर फ्रेंडली या फिर जो आपको पसंद है वो कलर लीजिएगा, और उन कलर्स को अच्छे से फिल कर दीजिएगा। ध्यान से जो हमारे बारीक कॉर्नर है ना, उन पर थोड़ा सा ध्यान देकर फिल कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है हमारे वो डिज़ाइन के आसपास हो तो हमारी शेप अनइवन ना लगे। आप ध्यान से करेंगे तो अनइवन भी नहीं लगेगा, और बहुत ही ब्यूटीफुली वो निकल कर आएगा आपका जो रिज़ल्ट है। सो ये देखिए, हमारा जो येलो और रेड का कॉम्बिनेशन है बहुत ही प्यारा लग रहा है, और बहुत ही जो ट्रेंडी है। आप इसको ज़रूर जो लर्नर्स हैं ना, उनके साथ शेयर कीजिएगा जिनको फैब्रिक पेंटिंग का बहुत शौक है। सो
ईजी एंड जो हमारे फ्रेंडली कलर्स हैं ना, ईजी एंड फ्रेंडली टेक्निक हैं, वो सब टेक्निक जो करते हैं ना उनको बहुत ही इंजॉयबल लगेगा ये वीडियो और बहुत ही अच्छा लगेगा। सो मेरे अब इस वीडियो पर देखते हैं कितने लाइक और कितने व्यूज़ मिलते हैं, ये सब आप सभी पर डिपेंड करता है। सो मैं हमेशा यूनिक कुछ ना कुछ सोचती हूँ, कुछ ना कुछ ईजी जो सब कर सके, क्योंकि हम प्रोफेशनल हर कोई हो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो इजी टेक्निक है ना उससे जिनका शौक़ है ना फैब्रिक पेंटिंग का वो भी इजीली कर सकते हैं। सो ये जो बाटिक प्रिंट का वर्क है ना ये तो ट्राई कीजिएगा, और जो स्टेंसिल मेकिंग है ना वो भी ट्राई कीजिएगा, उनके मैं आपको और भी आइडिया आप दूँगी आने वाली अपकमिंग वीडियोज़ में। अभी तो शुरुआत है, अभी समर से रिलेटेड जो वीडियो है समर सीज़न से रिलेटेड वो सब वीडियोस मैं जल्दी जल्दी आपको दूंगी, और जल्दी जल्दी आप मेरी वीडियोस को देखिएगा बेल आइकन को, क्योंकि प्रेस करेंगे तभी नोटिफिकेशन मिलेगी, और सबसे पहले आप जब इन प्रोजेक्ट से कुछ बनाकर पहनेंगे ना तो सब पूछेंगे कि आपने कहाँ से लिया, और फिर आप बताइएगा कि आपने खुद बनाया है। देखिएगा सबको हैरानी होगी और सब ट्राई करेंगे, लेकिन हाँ ट्राई करने से पहले मेरी वीडियो को ना शेयर ज़रूर कर दीजिएगा उनके साथ सिखाने के लिए, ताकि वो भी अच्छे से देखे सीखे और काम करें। सो अब जब हमारा ये कलरिंग पार्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जब हम इसको टीयर करेंगे तो बहुत ध्यान से हम इसको टीयर करने वाले हैं और बहुत ही ध्यान से हम इस पर काम करेंगे। सो ये देखिए अभी तो कैसा लग रहा है ना, अजीब सा, ना ही क्लियरिटी है ना ही कुछ और है। जब हम इसको कंप्लीशन के बाद देखेंगे ना तब आप समझेंगे इसकी जो क्लियरिटी जो इसकी खूबसूरती है उसको। सो ये हमारा जो कलरिंग पार्ट है वो कंप्लीट हो गया, अब हम करते हैं हमारे मैजिक की शुरुआत। जो हमारा मैजिक है वो ये देखिए, इस तरह से आप जो ग्लू गन थी ना उसका सारा जो ग्लू था वो निकाल दीजिएगा, और जो वाइट इम्प्रेशन रह जाएगा बिल्कुल टाई एंड डाई के लुक जैसा भी है ये। हाँ टाई एंड डाई की भी जल्दी से मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी, जो आप फैब्रिक कलर से किस तरह से टाई एंड डाई इजीली घर पे कर सकती हैं। सो अब ये देखिए जैसे जैसे हमारा डिज़ाइन निकल रहा है आ रहा है ना समझ आपको, किस तरह से मैं आपको बता रही थी और समझाने की कोशिश कर रही थी। अगर फिर भी कुछ ना समझ में आए आपको तो कमेंट सेक्शन का जो बॉक्स है ना वो इसीलिए है कि आप अपनी जो क्वेरीज है ना वो हम सबके सामने लेकर आए। सो अब ये देखिएगा जो मेरी मिस्टेक थी, स्टेंसिल बहुत खूबसूरत बना है लेकिन इसको बनाने में मुझसे एक मिस्टेक हुई। आप लोग वो मिस्टेक बिल्कुल मत कीजिएगा, हाँ तरीका बिल्कुल यही है लेकिन जो मिस्टेक है ना वो इस तरह से नहीं होनी चाहिए थी। सो आप लोग इसका बिल्कुल ध्यान रखिएगा, डूज एंड डोंट्स हर जो आर्ट है ना हमारी उनमें होता है। टूथब्रश से कीजिएगा, ये देखिए जिस तरह से जो मेरे ड्रॉप गिर गए ना इस तरह से बिल्कुल मत गिरने दीजिएगा, जो क्लियरिटी है ना उसको रखिएगा। बिल्कुल स्प्रे पेंट इसी तरह से होता है और इसी तरह से करते हैं इसको, लेकिन जो हमारी ब्रश में कलर है ना वो बहुत कम क्वांटिटी में होता है। मेरा थोड़ा सा लिक्विड ही ज़्यादा हो गया था तो वो ड्रॉप मेरी जो फैब्रिक पे आ गई, लेकिन फिर भी इसके रिज़ल्ट से मैं सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि मेरा जो स्टेंसिल था ना वो बहुत प्यारा बना था। सो फिर मिलेंगे किस